Hello, Moto. Hello, Moto. Hello, guys, this is Ashish, and you're watching Ask Technology. And today in this video, I'm going to show you the unboxing of new trending Moto G5 S Plus, which is recently launched in India and now exclusively available on Amazon.in. So let's get started. So guys, this is the parcel which I have received from the Amazon. So khol kar dekhte hain isko. So friends, parcel mein milta hai Moto G5 S Plus ka box. Aap dekh sakte hain, yahan pe Motorola ki branding ho rakhi hai. और यहाँ पे लिनोवो की ब्रांडिंग हो रखी है क्योंकि 4 साल से मोटरोला इज ए लिनोवो कंपनी. तो इस बॉक्स के पीछे क्विक स्पेसिफिकेशंस में दे रखी है. सो फ्रेंड्स, मार्केट में ये फोन 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है. एक है 3 GB रैम के साथ 32 GB रोम और एक है 4 GB रैम के साथ 64 GB रोम. तो ये हमारे पास है 4 GB रैम के साथ 64 GB रोम और कलर है ये ब्लश गोल्ड. तो खोलते हैं बॉक्स को और देखते हैं इसकी एक्सेसरीज. तो सबसे पहले हमें बॉक्स में मिलता है ये सेल फोन एंड इसके बाद हमें मिलते हैं यूजर गाइड्स और ये है इसके ईयरफोन्स. तो ईयरफोन्स को चेक कर लेते हैं कैसी क्वालिटी है इन ईयरफोन्स की. आप देख सकते हैं वही ट्रेडिशनल ईयरफोन्स हैं जो मोटरोला आपने फोन्स के साथ देती आ रही है. प्लास्टिक ईयरफोन्स हैं, वही ऑर्डिनरी ईयरफोन्स हैं. और ये है हमारे पास यूएसबी केबल और ये हमारा ट्रैवल अडेप्टर. ये टर्बो चार्जर दे रही है कंपनी इस फोन के साथ जो कि इस फोन को फास्ट चार्ज करेगा. ये 15 वाट का टर्बो चार्जर है, आप देख सकते हैं. और लास्ट में ये आती है हमारी सिम इजेक्टिंग पिन. सो दीज ऑल आर द एक्सेसरीज विद दिस फोन. तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेल फोन पे. तो इस पे ऊपर स्टिकर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है मोटो G5 S Plus और इसकी स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं. इसमें डुअल कैमरा है 13 MP का और 3000 mAh की बैटरी है और 14 cm की फुल HD डिस्प्ले है जो कि है 5.5 inches के इक्वल. और ये आता है 2.0 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ और फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा है इसमें और एक्सपेंडेबल मेमोरी के लिए SD कार्ड हम इसमें डाल सकते हैं. तो फ्रेंड्स, काफी डिसेंट डिजाइन है इस फोन का, आप देख सकते हैं. मेटल बॉडी में ये फोन आता है, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी लगती है इसको देखते हुए. तो फ्रेंड्स, इसकी स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं. तो हमें फ्रंट में मिलती है 5.5 इंचेस वाइडर डिस्प्ले, आप देख सकते हैं, और आगे फिंगरप्रिंट स्कैनर है. और हमें इसमें मिलता है ये 8 MP फ्रंट कैमरा और सेंसर है यहाँ पे और फ्रंट कैमरा है विद LED फ्लैश. और इसमें यहाँ पर दे रखा है ईयरपीस और ये मोटो की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे. साइड्स में हम आते हैं तो यहाँ पे एक पावर की दे रखी है जिसमें एचिंग हो रखी है, ये भी मेटल कीज है और ये वॉल्यूम रॉकर्स दे रखे हैं इसके ऊपर. और टॉप में हम देखते हैं तो कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पे, बस एक 3.5 mm ऑडियो जैक दे रखा है हमें. अदर साइड हम देखते हैं तो यहाँ पे एक सिम कार्ड ट्रे दे रखी है और बॉटम में हमें यहाँ दे रखा है एक माइक्रोफोन और एक 2.0 माइक्रो USB पोर्ट और ये स्पीकर ग्रिल्स. सो बैक साइड में हम आते हैं तो इसमें दे रखा है 13 MP का डुअल कैमरा विद डुअल टोन LED फ्लैश और ये कैमरा के ऊपर दे रखा है यहाँ पे माइक्रोफोन. और जो इसका ये 13 MP डुअल कैमरा है, यही इसका मेन अटेंशन है इस फोन का. सो इस पॉली को हम रिमूव करते हैं और इसे ऑन करके देखते हैं. इसकी इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताऊं तो इसमें है 7.1.1 एंड्रॉइड न्यूगट. और दोस्तों, यहाँ है 2.0 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ जिसमें है स्नैपड्रैगन 625 का चिपसेट. और फ्रेंड्स, इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है 8 MP का विद F2.0 अपर्चर एंड इसका बैक कैमरा है 13 MP का
ये भी है एफ 2.0 अपर्चर के साथ। तो फ्रेंड दिस इज द फोन, यू कैन सी द ऑल आइकन्स आर सेम। सो लेट्स चेक द एंड्रॉइड वर्जन। सो अबाउट फोन वी कैन सी हियर इट हैज एंड्रॉइड वर्जन ऑफ 7.1.1। Yeah. So it has the fingerprint scanner in the front. So you can see it is very fast. So friends, इस स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए बाय करने के लिए। अच्छी बिल्ड क्वालिटी है मोटोरोला की, और जो इसका कैमरा जो मेन अटेंशन है डुअल 13 मेगापिक्सल कैमरा, जिससे कि आप डेप्थ मोड में फोटोज ले सकते हैं। बाकी इसके जो हिडन फीचर्स हैं और इसके कैमरा के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोटोरोला। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में और इसका रिव्यू दूंगा आपको, और इसके जो अदर हिडन फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द मोटो G5 एस्पल्स। तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में तो मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा, पर हाँ दोस्तों इस प्राइस में इस स्पेसिफिकेशंस के साथ ये एक अच्छा फोन है मार्केट में जिसे आप ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी टेक्निकल।